दुनिया भर में हजारों लोगों की जान ले चुका कोरोना वायरस भारत में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। अब तक देश में कोरोना के 1600 से अधिक केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 50 लोगों की मौत भी हो गई है। इसके अलावा 153 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना से सबसे अधिक महाराष्ट्र और केरल प्रभावित हैं। महाराष्ट्र में 18 और नए केसेस सामने आए, इसमें मुंबई में 16 और पुणे में 2 केस सामने आए हैं। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 320 पर जा पहुंची, इसमें से 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना का खतरा और अधिक बढ़ गया है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 23 नए केसेस आने के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 120 पर पहुंच गई है। लगातार देश में भी कोरोना अपना पैर पसार रहा है। पूरे देश भर में अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते 50 लोगों की मौत हो गई। हालांकि राहत की खबर यह रही कि 153 लोग ठीक होकर इस वायरस के बाद में अपने घर भी जा चुके हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो बीते 24 घंटे में यहां पर केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली। पूरे देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1600 पहुंच गई है। 48 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, 153 लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे के भीतर 23 नए केसेस सामने आए। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से शुरुआत से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिली, वहां पर पुणे से कल 16 और माफ कीजिएगा महाराष्ट्र से 16 और पुणे से 2 नए केसेस सामने आए। पूरे देश में इस वक्त कोरोना ने अपना आतंक मचाया हुआ है। महाराष्ट्र में कुल मिला के कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 320 पर पहुंच गई और पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर फिलहाल भी जारी है। लॉकडाउन का आज 8वां दिन है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर ये लॉकडाउन 14 अप्रैल तक के लिए किया गया है। और इसी खबर पर अधिक बात करने के लिए वन संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, आपसे जानना चाहूंगी, दिल्ली में बीते 24 घंटे में 23 नए केसेस आए सामने और तेजी से यहां पैर पसार रहा है कोरोना, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, 23 नए केसेस आए हैं दिल्ली में और अब जो पूरा आंकड़ा है दिल्ली का 120 पे पहुंच गया है। वही महाराष्ट्र में भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, 16 नए मामले आए हैं, टोटल 320 पेशेंट्स हो गए हैं कोरोना के। हालांकि देश भर में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 100 से ज्यादा ऐसे पेशेंट्स हैं जो ठीक हो गए हैं और अब कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में भी जो दिल्ली में वेंटिलेटर्स पे जो पेशेंट्स थे उनके स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं ठीक से वो ठीक होने के कगार पर है। और ये कहा जा रहा है कि केवल 100 ही नहीं 200 ऐसे पेशेंट होंगे और जो जल्द से जल्द करीबन 2 से 3 दिन में वो ठीक हो जाएंगे, कोरोना वायरस से मुक्त हो जाएंगे, उनकी रिपोर्ट 2 से 3 दिन में नेगेटिव आ जाएगी, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है। हालांकि जो दिल्ली का जो मामला था जो मर्कज की वजह से जो कोरोना फैल रहा था वहां से अभी भी पेशेंट्स की जांच जारी है और ये हो सकता है कि आज फिर से करीबन 15 से 20 ऐसे पेशेंट्स आए जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। जी जी जी। प्रीत, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आज लॉकडाउन का 8वां दिन है और अभी भी कुछ दिन शेष बचे हैं, तो कितना कारगर ये लॉकडाउन देश भर में साबित हो रहा है? देखिए, तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है जिसको लेके ये लॉकडाउन किया गया है और कहीं ना कहीं इसी वजह से लॉकडाउन की वजह से लोगों को बहुत मदद मिल रही है कि वो ऑफिस नहीं जा रहे हैं, अपने काम पर नहीं जा रहे हैं, स्कूल्स कॉलेजेस और सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सब बंद किए गए, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन से बहुत फायदा हुआ है। अगर मरकज का ये मामला नहीं होता, मरकज की वजह से जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमाम राज्यों में ये लोग गए मरकज से और वहां पर कोरोना वायरस जल्दी फैला, अगर ये नहीं होता तो लॉकडाउन काफी कारगर रहता और 21 दिन में काफी हद तक कंट्रोल कर लिया जाएगा, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा जा रहा। और कहीं ना कहीं ये जो लॉकडाउन है 8 दिनों में ही काफी फायदेमंद साबित हुआ है। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए प्रीत आपका धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, देश भर से कोरोना के आपको ताजा अपडेट हम दे रहे हैं। 1600 का आंकड़ा यहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों का पार कर चुका है। राहत की खबर है कि 153 अभी फिलहाल एक आंकड़ा बताया जा रहा है, जो लोग इस वायरस के संक्रमण से ठीक होकर अब रिकवर कर चुके हैं अपनी हालत में। दिल्ली की अगर बात की जाए तो बीते 24 घंटे में 23 नए केसेस सामने आए।